कड़ेनार। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लोगों को न केवल सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, बल्कि उन्हें रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। इस परियोजना के तहत देश में 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने मार्च 2024 तक इन केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10000 करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी इस परियोजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जिले के पीएम जन औषधि केंद्र परियोजना के नोडल अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है, जिससे गांवों में ये केंद्र खुल रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला है, जैसे नक्सलाइट एरिया है, जैसे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस तरह के जिले में भी सरकार स्टोर को ओपन करने के लिए 2 लाख रुपए का एक सहायता राशि प्रोवाइड कराती है, ताकि उन जिलों में भी लोगों को इस तरह की सुविधा मिल सके, लोगों को अच्छी दवाइयां सस्ती कीमत पर मिल सके। दुर्ग जिले में अभी तक 25 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। लोग इस सुविधा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उन दवाइयों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, कोई महंगी दवाई मेरे को ज़्यादा फायदा कर दी है या कम, नहीं है ऐसा नहीं। यहाँ की दवाई भी उसी तरह फायदेमंद है, मगर बस उतना है कि यह सस्ता है वहाँ महंगा है। और हमेशा 24 घंटा 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको दिक्कत नहीं रहता है। अगर कुछ शॉर्टेज भी रही तो भैया अपने आसपास फिर भी अपने जन औषधि के दूसरे केंद्र से मंगा देते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को सही लगता है। मतलब आपका बजट हिसाब से भी है, गवर्नमेंट द्वारा भी है, तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके जन औषधि का उपयोग कीजिए और इसको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन है तो सबको उसकी पहुँच और सुविधा होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए गए हैं।